एक बार की बात है, एक सियार भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी कुछ कुत्ते उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। सियार अपनी जिंदगी बचाने के लिए धोबी के नील भरी ड्रम में कूद जाती है और वो तब तक उस ड्रम में रहती है जब तक कुत्ते वहाँ से चले न जाते हैं। कुत्ते के जाने के बाद से सियार जंगल की तरफ जाने लगती है। रास्ते में सभी जानवर सियार को देखकर डरने लगते हैं। सियार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जानवर क्यों डर रहे हैं। वह पानी पीने के लिए तालाब के पास पहुंची। वो जैसे ही तालाब में पानी पीने वाली थी, उसने तालाब में देखा कि मेरा पूरा शरीर नीला हुआ है। वो सब कुछ समझ गई और एक नया प्लान बनाई और सभी जानवर से कही कि मैं भगवान का भेजा हुआ एक दूत हूँ। मुझे भगवान ने इस जंगल में राजा बनने के लिए भेजा है। आज से मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। सभी जानवर डर कर उसे अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं और वो अपना ज़िंदगी बहुत खुशी से व्यतीत करती है। एक दिन सियार को हुआ हुआ की आवाज़ आती है और वो इतनी आवाज़ मधुर होती है कि सियार अपनी आवाज़ रोक नहीं पाती है और वो भी हुआ हुआ करती है। तभी सभी जानवर समझ जाते हैं कि ये एक भगवान का भेजा हुआ दूत नहीं बल्कि सियार है और उसे जंगल से मार कर फेंक देते हैं। सो दोस्तों, आप अपनी पहचान कभी भी छुपा नहीं सकते।